देखिए दिस इज द पार्ट बी ऑफ द पेपर। यहाँ पे ये हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सेशन है। देखिएगा इफ यू सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हमें इसको सिंप्लीफाई करना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका टैन इनवर्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस कोसेक्स, वन बाई टू पावर का मतलब अंडर रूट अपॉन वन प्लस कोसेक्स। So we will write this as tan inverse, यह आ जाएगा 2 sin square x by 2 upon 2 cos square x by 2। तो बेसिकली रूट से बाहर निकलेगा तो tan x by 2 आ जाएगा, that will neutralize to 2, तो it will be x by 2। क्लियर है बेटा? हाँ जी। Now if we see दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, अगर ये 19 है आपका, ये 20th है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 20th में कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई द मैट्रिसेस आर इक्वल। तो यार एक काम करिए ना, आप पहले इक्वेट कर लीजिए, 2x प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू x प्लस 3। ध्यान से देखिएगा, तो इसका मतलब x तो 2 आना चाहिए, और अगर यहाँ से देखें 3y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, तो यू विल बी राइटिंग वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू जी। इसके आप बना लीजिए फैक्टर, माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस विल इम्प्लाई y का तो दो वैल्यू आ रहा, 1 एंड 2। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या इन वैल्यूज़ के लिए कई मैट्रिसेस इक्वल आ रही हैं। अब आराम से देखिएगा, दोनों मैट्रिसेस में पहले x को 2 डालिए, इफ़ आई सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2, तो आप देखेंगे ये वाली वैल्यू तो 5 आ गई, और y को मैं 1 ले रहा हूँ तो ये 3 आ रहा है, 0 आ रहा है। एंड इफ़ यू टेक y इज इक्वल टू 1 इन हियर, सो व्हाट यू आर ऑब्टेनिंग, इट इज़ नथिंग बट 1 माइनस 5 इज़ माइनस 4। See, these two matrices are not equal for x equal to 2 and y equal to 1. Is that okay, beta? Please tell me. ये बात समझ में आ रही है बेटा? Please tell me. हाँ जी। अब हम x भी 2 लेंगे और y भी 2 लेंगे. Let's see कि whether the matrices are equal or not. तो पहले में तो हम already 2 तो x तो डाल ही चुके हैं, तो उस केस में आ रहा 5, और y को 2 डालेंगे तो 6, 0 एंड 4 माइनस 10 इज माइनस 6। नाउ इट्स हैपनिंग, आई थिंक x प्लस 3 में हम 2 डालेंगे तो 5 आ रहा है, 2 डालेंगे तो 6 आ रहा है। सी, सो द ओनली वैल्यू फॉर विच द इक्वलिटी होल्ड इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? हाँ जी। यस सर। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना होता, हमें वैल्यू नहीं निकालनी। इसने सीधा पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई द मैट्रिसेस आर इक्वल। अब आता है इसका और पार्ट, आई थिंक और पार्ट इज द सिंपल वन, सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट स्क्वायर एंड इक्वेट द मैट्रिसेस, विल यू बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ के। प्लीज टेल मी। हाँ जी। यस सर। 21st क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, यह आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। योर आंसर विल बी टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ अपॉन रूट 3/2, और 1 अपॉन ए आता है तो 2/√3। यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर, 2/√3 टेन इनवर्स, एलसीएम ले लो। इज दैट ओके बेटा? क्लियर है? हाँ जी।
इसी का एक और पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है, जरा ध्यान से देखना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इंटीग्रेट करिए 2 2 2 की पावर x, 2 2 की पावर x, 2 की पावर x dx। एक रिव्यू दे रहा हूं, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a, इज दैट ओके? लेकिन अगर मैं कहूं a a की पावर x का डेरिवेटिव, तो प्लीज अंडरस्टैंड इट, इट विल बी a a की पावर x इंटू a की पावर x log a का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? हाँ जी, ये चाहो तो मैं करके दिखा देता हूँ। अगर y इज इक्वल टू a a की पावर x ले लिया तो log y आ जाएगा a की पावर x इंटू log a। जब आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई वाई डीवाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा a की पावर x log a का स्क्वायर। अब y को इधर लेके जाएंगे तो y कितना है, a a की पावर x, इज दैट ओके? सिमिलरली पैटर्न को समझिए, a a a की पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, a a a a की पावर x, a a a की पावर x, a की पावर x log a का क्यूब। क्लियर है बेटा ये रिव्यू? तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे है, 2 2 2 की पावर x, तो हमें किसको t मानना चाहिए, हमने 2 2 2 की पावर x को t मान लिया, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 2 2 की पावर x, 2 2 की पावर x log 2 का क्यूब dx इज इक्वल टू dt। सो यू कैन राइट दिस एज 2 2 2 की पावर x, ये 2 की पावर x dx इज dt बाय log 2 का क्यूब। नाउ दिस क्वेश्चन कन्वर्टेड टू t dt अपॉन log 2 का क्यूब। अरे t dt तो बनेगा नहीं, सॉरी, dt बाय log 2 का क्यूब बन जाएगा पूरा। सो योर आंसर विल बी t अपॉन, नाउ व्हाट इज t, दैट इज 2 2 2 की पावर x अपॉन log 2 का क्यूब। इट इज अ स्पेशल क्वेश्चन, समझ में आ गया भाई सबको? हाँ जी प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? हाँ जी क्लियर है सबको? ओके अगला कहता हूं, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मैं क्वेश्चन कई बार करा चुका हूं आपको, जब भी इलिप्स का एरिया निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय कितना दे रखा है, 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलिप्स ये बेसिकली वर्टिकल इलिप्स है, लाइक दिस, दिस पॉइंट इज 0.3, दिस पॉइंट इज 0.-3, दिस पॉइंट इज 2.0, दिस पॉइंट इज -2.0। नाउ हमें जब इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, वी विल बी टेकिंग द स्ट्रिप हियर, तो वाई की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से एलिप्स से, तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 9 इज 1 - x² / 4। वाई आएगा आपका +-3/2 √4 - x². फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 4 × 0 to 2 3/2 √4 - x² dx। ये आ जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, इट विल बी √2² - x² dx। अब इंटीग्रेशन में जो बड़ा सा फॉर्मूला बताता वो लगा दीजिए,
क्या था, x बाई टू अंडर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई टू। तो अब यहाँ देखेंगे इस इंटीग्रेशन में जब टू डालेंगे तो ये जीरो आएगा, ये टू साइन इनवर्स वन आएगा और बाकी फिर माइनस में भी जीरो आएगा। तो 12 इंटू पाई बाई टू दैट इज 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है भाई सबको, प्लीज टेल मी इज इट क्लियर भाई, नोबडी इज रिप्लाइंग बेटा। हाँ जी ओके। अब अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 23rd कहता है फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 1, 2। सुनिए आराम से, फंक्शन इंक्रीजिंग है, एफ एक्स दे रखा है ए एक्स प्लस वन और इंटरवल दे रखा है 1, 2। तो इसका एफ डैश एक्स निकालिए, वो आ गया 2x प्लस ए। हमारा इंटरवल ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। पूरे इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब पूरे में a ऐड कर दीजिए, तो हमारा ये जो डेरिवेटिव है f डैश x विच विल एंश्योर दैट इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 प्लस ए मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस विल इम्प्लाई द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज माइनस 2। क्लियर है बेटा, प्लीज टेल मी। हाँ जी इज इट क्लियर भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये जो मैं अभी करा रहा। मैंने 24th क्वेश्चन में कहता फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 एट विच टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो सिंपल है यार, इसमें डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो कर दोगे तो 4x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, तो x आपका आ जाएगा 3/2। तो पॉइंट पूछे हैं, अब इस कर्व में x की जगह 3/2 डाल दो यार। अगर x की जगह 3/2 डालेंगे तो देखिए कितना आएगा, y आ जाएगा 3 इंटू 9/4 माइनस 6 इंटू सॉरी 2 है इंटू 2 इंटू 9 6 इंटू 3/2 माइनस 4, ये तो 9/2 आ गया, ये माइनस 9 आ गया माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 9/2 माइनस 4 माइनस 17/2। तो पॉइंट्स क्या बन गए, पॉइंट्स आर 3/2 कोमा माइनस 17/2। हाँ जी क्लियर है, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी 24th क्वेश्चन हो गया। 25th में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। कोई एक लिमिट निकाल लो यार, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकाल लेता हूँ यहाँ पे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो उसकी वैल्यू ए के बराबर होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एट टू माइनस एच मस्ट बी इक्वल टू ए, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो टू इंटू टू माइनस एच माइनस वन इक्वल टू ए। एच को जीरो डाल दो तो दिस विल इम्प्लाई ए इज इक्वल टू 3। क्लियर है बेटा। हाँ जी क्या बात है बेटा, सब लोग सो रहे हो क्या? हाँ जी प्लीज रिप्लाई। यस सर। अब 26 क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट में से है। कहता है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, शो दैट ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ये मैंने कराया भी था, फिर करा देता हूँ। देखिए ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये आ गया आपको क्या दिखाना है, टू शो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट।
अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो इट इज़ नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी कैसे निकलेगा, ए की प्रोबेबिलिटी से ए इंटरसेक्शन बी की माइनस कर देंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ले लो, सो यू विल बी हैविंग वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो व्हाट इज दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा? यस सर। ये 26 का प्रूफ हो गया। अगला देखिएगा, ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स वॉन्टेड टू टेक एडमिशन इन कॉलेज, द प्रोबेबिलिटी दैट ए गोट एडमिशन इज 0.7 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ दैम इज सेलेक्टेड इज 0.6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी इज सेलेक्टेड। बताओ जरा कैसे करेंगे, विल यू बी एबल टू टेल द सोल्यूशन ऑफ इट, प्लीज टेल मी। इंडिपेंडेंट इवेंट का ही क्वेश्चन है भाई, देख लो कैसे करेंगे, बताइए जरा, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, देखो जरा ध्यान से ये क्वेश्चन कैसे होगा, पहले आराम से समझना। हमारे पास क्वेश्चन में ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स, तो और पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ए को एडमिशन मिल जाता तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, और एडमिशन ना मिलने की क्या आएगी, वन में से माइनस कर देंगे 0.3, एंड प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम गेट द एडमिशन इज 0.6। इसका मतलब तो ये हुआ होगा ना, ए को मिला होगा तो फिर बी को नहीं मिला होगा, ए को नहीं मिला होगा तो फिर बी को मिला होगा। तो इस फॉर्मूले से ये निकल जाएगा, ए की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, ओके, और इसको लिख लेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसकी 0.3 है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखिए क्या आएगा, दिस विल इम्प्लाई 0.7 माइनस 0.7 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 0.3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6, इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। अगर इसको सोल्व करता हूँ तो वी विल बी हैविंग 0.4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी 1/4। क्लियर है बेटा, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, क्लियर है बेटा या नहीं, बताइए जरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। यार इसको ए वेक्टर बना दो, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये आपका b वेक्टर आ जाएगा। लिख दीजिए इक्वेशन, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, हो जाएगा ऐसे भाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो हम इसको लॉग को ऐसे लिख लेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू e की पावर 3x प्लस 4y, यहाँ से वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, देखना कैसे। यह आ जाएगा dy बाय dx e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू e की पावर 3x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आ जाएगा e की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस। क्लियर है बेटा सबको, प्लीज टेल मी। ये पूरा सेक्शन मैंने सोल्व कर दिया भाई, जो सीट क्लियर है भाई। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, क्या बात है बेटा, अगर आप सब लोग नींद में हैं तो मैं क्लास फिर लूँगा मैं, ठीक है। हाँ जी, नोबडी इज रिप्लाइंग बेटा, हेलो।
हेलो।